हरे कृष्णा। तो जैसा हमने कहा कि भगवद गीता एक बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ है, एक होता है इहलोक और दूसरा होता है परलोक। तो भगवद गीता में परलोक के बारे में भी जानकारी है और इहलोक यानी इस संसार में भी हमने किस प्रकार से हमारा जीवन यापन करना चाहिए उसके बारे में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। और केवल हम लोग जो भगवद गीता के चरित्र है उन्हें भी देखें, जैसे अर्जुन को देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण देख लीजिए, इनका चरित्र, उनका जीवन यदि हम लोग देख लेते हैं तो हम उसमें से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण सबसे पहले बताऊंगा। कल्पना कीजिए, आप बीमार है और उस बीमारी का इलाज करने के लिए आप अस्पताल में किसी वैद्य के पास मिलने के लिए जाते हैं। वैद्य आपको अपने केबिन के अंदर बुला लेता है, आप वैद्य के सामने बैठे हैं और आप अपनी बीमारी का बखान कर रहे हैं कि मुझे ये हुआ है, ये बीमारी है, बुखार आ रहा है, दांत में दर्द है, ये भी हम लोग सब बखान कर रहे हैं और डॉक्टर आपको सुन नहीं रहा है। लेकिन केवल जैसे ही बीमारी सुन लिया उसने, वो अपना ट्रीटमेंट देने के लिए कुछ पेन और पेपर निकाल के लिख रहा है। आप कह रहे हैं कि आप सुनिए पहले, हम चाहते हैं कि हमारा जो कुछ कहना है वो पूरा सुन ले वो डॉक्टर। लेकिन यदि वो डॉक्टर केवल डायग्नोस करने के बजाय वो ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस कर रहा है, आपको सुन नहीं रहा है, आपको कैसा लगेगा? यू विल फील अनहर्ड एंड हर्ट। आपको लगेगा कि और सब कुछ यदि उन्होंने ट्रीटमेंट में दवाई लिख दी और बाद में आप यदि उन्हें बताते हैं कि लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पेट में भी थोड़ा सा दर्द है, और डॉक्टर उसे सुना अनसुना करे और कहे कि ये दवाई जो मैंने दी उसमें आपका सब काम हो जाएगा, तो हमें इतना अच्छा नहीं लगेगा, हमें लगा कि ये डॉक्टर ने मेरा पूरा बात सुना ही नहीं। उसी प्रकार से जब हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें ठीक से सुन नहीं रहा है, तो ये संभाषण का एक बहुत ही जो है वो गहन मुद्दा है। हमें जब संभाषण हम लोग करते हैं तब हमने दूसरों को सुनना चाहिए, दूसरों को समझने का प्रयास करना चाहिए, जैसा हम लोग चाहते हैं कि हमें कोई समझे, हमें कोई सुने। भगवद गीता में पहले अध्याय में अर्जुन बहुत सारे कारण भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूं। सबसे पहले अर्जुन के मन में यह संभ्रम था कि यह युद्ध मैं करूं कि नहीं करूं, क्योंकि उनके जो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग धर्म होते हैं, जैसे विद्यार्थी का होता है विद्यार्थी धर्म, पत्नी का होता है पत्नी धर्म, पति का होता है पति धर्म, अलग अलग धर्म एक साथ कभी कभी आ जाते हैं। कोई विद्यार्थी है तो उसका विद्यार्थी धर्म है, उसके साथ साथ उसका कोई परिवार में पुत्र धर्म भी होता है, तो दो धर्मों में एक साथ अनबन हो जाती है। उसी प्रकार से उसके सामने यह समस्या थी कि उनका एक था कुल धर्म, उनके कुल के सारे लोग उनके सामने लड़ाई करने के लिए उपस्थित थे, उन्हें मैं कैसे मारूं, और दूसरा था उनका क्षत्रिय धर्म, धर्म की स्थापना के लिए मुझे युद्ध करना चाहिए और इन्हें मारना चाहिए, यह था उनका क्षत्रिय धर्म। तो एक क्षत्रिय धर्म एक और कुल धर्म एक और, ये दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े थे, और मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं ये उनके मन में संभ्रम था। इसलिए वो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कई सारे कारण बता रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। और विशेष आश्चर्य की बात यह रही कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो भी बोल रहे थे पहले अध्याय में, भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ सुन लिया। इसलिए जो भी व्यक्ति बोलना प्रारंभ करता है उसके पहले उस व्यक्ति का नाम और उसने कहा, ऐसा भगवद गीता में आता है। जैसे सबसे पहला श्लोक भगवद गीता का, पहले अध्याय का पहला श्लोक आप लोगों को पता होगा, धृतराष्ट्र ने कहा है, उन्होंने प्रश्न पूछा था, तो धृतराष्ट्र उवाच, ऐसा हो गया पहला श्लोक। दूसरे श्लोक से लेके संजय जो कि दूरदर्शन कर रहे थे युद्ध भूमि का, वो जवाब देना प्रारंभ करते हैं, संजय उवाच। अर्जुन अपने प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने रख रहे थे इसलिए थे अर्जुन उवाच। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पहले अध्याय में केवल धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच और अर्जुन उवाच है, श्री भगवान उवाच पहले अध्याय में है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने पहले अध्याय में केवल अर्जुन का सुन लिया
और उसके पश्चात जाके दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। तो श्री भगवान उवाच दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में आता है और खास करके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर भगवान श्री कृष्ण अपना उपदेश, अर्जुन ने जो समस्या प्रस्तुत की थी उसका समाधान भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय के करना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से हम लोग यह बात प्रमुख रूप से सीख सकते हैं, वो है कि जब भी कोई समस्या लेके हमारे पास आए या जब भी कोई कुछ अपना हृदय हमारे सामने हृदय की बात बताना चाहे, तब हमने न उसकी जो समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करना चाहिए, सबसे पहला हमने उस व्यक्ति के मन की बात सुनने का प्रयास करना चाहिए उसे समझने के लिए। तो ये सीख हम लोग भगवान श्री कृष्ण से ले सकते हैं कि जब भी कोई कुछ हमें बताए हमें सर्वप्रथम उसे ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहता है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो केवल डॉक्टर ने मुझे सुना अच्छे से मेरी परेशानी क्या है, जब उन्होंने सुना उसमें ही हमारी समस्या का समाधान छिपा रहता है। फिर वो जो दवाई देंगे वो तो दूसरी बात हो गई, लेकिन मुझे समझ लिया है किसी ने, यही हमारे समाधान की जड़ होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से यदि हम लोग केवल एक ये गुण भी लें कि जब भी कोई कुछ बता रहा है मन की बात, हम जब उसे सुन लेते हैं तो उस व्यक्ति को हम लोग अपना रहे हैं। हरे कृष्ण।